तो कैसे हो आप लोग। होप करता हूँ आप सब बढ़िया होगे। तो पिछले कितने दिनों से मैं थोड़ा ऑफ था, क्योंकि थोड़ा बिजी था अपने काम में, तो इसीलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। जब वापस आया तो गेम के अंदर मेरे को लगा कि भाई साहब सुपर सेल ने क्या ही कुछ दिया है। तो चलो TH11 का ये वाला आर्मी देखते हैं जो कि मैंने बनाया है और कहीं पर भी आप नहीं देखा होगा। चलो इसको टेस्ट करते हैं कि ये कैसा होगा। तो ये वाला बेस देख लो, काफ़ी तगड़ा बेस लेआउट है। चलो इसको इसके ऊपर अटैक करते हैं, देखते हैं कि ये कितना पावरफुल है और आपको बताते हैं कि इसको मैं क्यों यूज करता हूँ। तो पहली बार तो अगर आप देखोगे ये 4 हुईज गोलेम लेना, जो कि बीच में डाल देना जैसे कि हम गोलेम के साथ डालते थे। तो ये डायरेक्टली स्पेशली क्या करता है ना, ये डायरेक्ट जो डिफेंस होता है उसको टारगेट करता है। तो यहाँ पर आप देखोगे मैं 4 जो वॉल ब्रेकर लिया हूँ, तो ताकि वॉल तोड़ने के लिए। यहाँ पे अगर देखो आर्मी अच्छे से कोर में पुश हो चुके हैं, किंग क्वीन और वार्डन डालना है, और एक साइड में आपको क्या डालना है, जो यहाँ पे जो लोग लॉन्चर है उसको डालना है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे सही तरीके से हमारा आर्मी पुश हो चुके हैं। बस यहाँ पे जैसे ही ईगल का हिट आया तो मैंने यहाँ पर क्या किया ना, वार्डन एबिलिटी दबा दिया और वहाँ पर एक रेस्पेल डाल दिया, क्योंकि वहाँ पर क्वीन था और कोर में थोड़ा ज़्यादा डैमेज होता है। तो मैं वहाँ पे रिस्पेल और हिल स्पेल आगे डाल दिया। तो यहाँ पे अगर देखोगे मुझे लगता है बेस के अंदर कुछ बचा नहीं है अभी तक, क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे हमारे बहुत सारे आर्मी बच चुके हैं, लेकिन हमारे पास कितना स्पेल पड़ी है आप खुद देखिए। ऊपर से किंग क्वीन का एबिलिटी, मुझे लगता नहीं कि अब इस वाले बेस को कोई बचा सकता। एकदम उप्पी आटा, मतलब आप मैंने यहाँ पे जो मोगी भाई का वीडियो भी देखा, वहाँ पे वो लाभा लून यूज कर रहे थे जो कि नया ट्रूप आया है, लेकिन मैं लाभा लून यूज़ कर वो भी काफ़ी ख़तरनाक है। और यहाँ पे अगर देखो ये वाला जो अटैक स्ट्रेटजी, ये भी काफ़ी ख़तरनाक है, आप इसको ज़रूर यूज कीजिए, क्योंकि कंपलसरी। ये वाला बेस देख लो कितना एकदम मार्क्स आउट बेस है। और मैंने यहाँ अब तक तो कितना स्पेल, अभी मेरे पास 5-8 स्पेल बच चुका है और सारे के सारे उसको कोई ज़रूरत नहीं। वो ये बेस ना ऐसे ही 3-स्टार हो जाए। और यहाँ पे आप देख खुद देखो कितना पावरफुल अटैक स्ट्रेटजी है, मतलब इतना सुपर सेल ने क्या ही आर्मी दिया है। कोई भी बेस दो ये फोड़ के रख दे, एकदम ओवर पावर, उसका डैमेज क्या ही दे रहा है। अभी देखो अभी भी हमारा पास क्वीन एबिलिटी अभी तक लास्ट तो जिंदा है, लगता है क्वीन एबिलिटी भी देने की कोई ज़रूरत नहीं। अब देखो मैंने कैसे इसको स्वैग कर रहा हूँ, 3 स्पेल यहाँ पे देखो 4, 5, 6, 7 और 8, 8 स्पेल का स्वैग कर दिया भाई साहब, मतलब क्या ही आर्मी है काफ़ी। और एक बेस में हम अटैक करके देखते हैं कि ये एक्चुअल में वार करता है कि नहीं। ये वाला बेस देखो, ये जो बेस है ना काफ़ी फेमस बेस है और बहुत तगड़ा बेस है। और आप यहाँ पे देखोगे इसका जो कंपार्टमेंट है एकदम इतना बड़ा बड़ा है तो कि आर्मी घूम जाता है। तो फिर भी हम देखेंगे इसको 3-स्टार कर पाते हैं कि नहीं। और यहाँ पे हम देखते हो तो मैंने भी वही सेम स्ट्रेटेजी पर जस्ट स्पाम जैसे करते हैं ना वैसे ही डाल दिया, पीछे से हुई जैसा आ गया, बीच में किंग क्वीन और 2-2 वॉल ब्रेकर डाल दिया ताकि कोर जो हमारा जो कंपार्टमेंट है वो ओपन हो सके। और एक साइड में जो जहाँ पे मेरे को जो क्या बोलते हैं उसको इन्फिनोटर मिल रहा है वहाँ पे मैंने डाल दिया लॉक लॉन्च हो गया ताकि उस वाला जो कंपार्टमेंट है वो टूट सके। और यहाँ देखो काफ़ी अच्छा, और सीसी में था क्या इलेक्ट्रो ड्रैगन, तो उसके ऊपर पॉइजन स्पेल डाल दिया। और यहाँ पे मैंने क्या किया, वहाँ पे देखो किंग एक साइड और क्वीन एक साइड कोर में घुस चुका है, तो उसके ऊपर मैंने क्या किया ना वहाँ पर डाल दिया मेरा जो एक स्पेल डाल दिया। और हमारे पास अभी भी एक हिल स्पेल है वो देख के डालेंगे, थोड़ा कोर में पुश होने दो। तो शायद मुझे नहीं लगता अभी कि देखते हैं अभी जिधर ज़रूरत होगी वहाँ पे हम लोग हिल स्पेल यूज कर ले। लेकिन आप यहाँ पे अगर देखो कि जो ईगल है वो बीच में रुक चुका है, जो कि काफ़ी हमारे लिए बुरी बात है, शायद उसने फेल भी कर सकता है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, सारे के सारे बैट स्पेल यूज कर लिया, उसके ऊपर फ्री स्पेल। और यहाँ पे देखोगे और एक फ्री स्पेल हमारे पास बच चुका है, अब काफ़ी अच्छी तरीके से आप अगर देखोगे तो विजेट और टूल। चलो अब इस बेस को कोई बचा नहीं सकता यहाँ पे देखो, क्योंकि बैट स्पेल जो है ना वो सारे के सारे डिफेंस को ऐसे ही ख़त्म कर देंगे। और वैसे भी बेस के अंदर कुछ बचा नहीं, सिर्फ ईगल को छोड़ देने से। अभी देखो क्वीन की एबिलिटी हमारे पास ना फुल एकदम फुल है, और हिल स्पेल हम लोग क्या करेंगे ना स्वैग कर दें, यहाँ पे हिल स्पेल का स्वैग कर दें, मतलब इतना पावरफुल अटैक स्ट्रेटजी आपने TH11 पे कहीं पे भी देखा नहीं होगा। आप इसको हर टाउन हॉल पे भी यूज कर सकते हो,
लेकिन हम लोग TS-15 में यूज़ नहीं किया, लेकिन आप TS-14 से लेकर नीचे तक किसी में भी यूज कर सकते हो, किसी को भी 3-स्टार कर सकते हो। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।